नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। दलित मंदिर और दलित हत्या मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं। कहने का मतलब है, दलित है तो मंदिर जाएगा ही, मंदिर जाने से विवाद बढ़ेगा ही, विवाद होगा तो फिर उसे दूषित मानसिकता वाले विशेष लोगों के द्वारा मारा जाएगा और विवाद हत्या पर जाकर समाप्त होगा। अगले दिन न्यूज़पेपर में आएगा, दलित पढ़ेगा और फिर कहीं और मंदिर में जाएगा, फिर उसे रोका जाएगा और फिर उसकी हत्या कर दी जाएगी। यह सिलसिला चलता रहेगा अनवरत इसी त्रिभुज पर, लेकिन दलित नहीं सुधरेगा, उसका मंदिर प्रेम कम नहीं होगा, क्योंकि संविधान से ज्यादा उसको ताकत शायद मंदिर देता है, यह उसका सोचना है। शनिवार को इसी मंदिर प्रेम की वजह से उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक दलित युवक की हत्या कर दी जाती है। दलित युवक मंदिर में पूजा करने के लिए जाता है, फिर उसे पूजा करने से रोका जाता है, रोके जाने से वाद विवाद होता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। यह वारदात अमरोहा जिले के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव डोमखेड़ा की है। बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले दलित युवक मंदिर में पूजा करने के लिए गया था, वहां कुछ लोगों ने उसे पूजा करने से रोका। इसी के बाद दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया। इस मामले को लेकर कुछ लोगों ने कोतवाली में तहरीर भी दी थी, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि दलित की तहरीर थी, तहरीर में कई लोगों ने पूजा से रोकने की बात कही थी, इसलिए पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद क्या हुआ, शनिवार की देर रात युवक की हत्या कर दी जाती है। हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच जाता है, मचना जायज भी था। आनन फानन में पुलिस फोर्स पे मौके पर पहुंची, वही पुलिस जिसने मामले को गंभीरता से नहीं लिया था, क्योंकि दलित की तरफ से तहरीर दी गई थी। एसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है। अमूमन ऐसा ही होता है, जांच की जाती है, परिजनों की तहरीर के आधार पर एक ही परिवार के 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह इस तरह की पहली घटना नहीं है। अब गिरफ्तारी होगी, फिर केस होगा, फिर जमानत होगी, फिर अपराधी बेखौफ घूमेंगे, सत्ता के किसी नेता का दबाव होगा, फिर समझौता होगा। अगर समझौता नहीं हुआ तो शायद किसी आपराधिक प्रवृत्ति के शख्स के द्वारा आगे चलकर पीड़ित परिवार के किसी शख्स की फिर से हत्या कर दी जाएगी। अब देखते हैं आगे क्या होगा। बने रहे कबीर न्यूज के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मां शारदा मेडिकल स्टोर की पूरे देशवासियों से अपील, अगर आपको बुखार, खांसी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और किसी भी अन्य व्यक्ति के संपर्क में जाने से बचें। अपनी आंख, नाक और मुंह को ना छुएं और सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें। छींकते या खांसते समय रुमाल या टिश्यू पेपर का प्रयोग करें। टिश्यू पेपर का प्रयोग करने के बाद उसे बंद डस्टबिन में फेंकें। कोरोना वायरस हाथों पर 10 मिनट रहता है, इसलिए साबुन से हाथों को 20 सेकेंड अवश्य धोएं या सैनिटाइजर का प्रयोग करें। घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क और हाथों में ग्लव्स का प्रयोग करें। भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। कोरोना वायरस हवा में नहीं फैलता है, यह जल संपर्क से फैलता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति से 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। गर्म पानी पिएं, पानी से गरारा करें और सूरज की धूप अवश्य लें। विटामिन सी का अधिक प्रयोग करें। आहार में नींबू और संतरे को अवश्य शामिल करें। कोरोना वायरस कपड़ों पर 9 मिनट से 10 घंटे तक रहता है, इसलिए कपड़ों को अच्छी तरह धुलकर धूप में सुखाएं। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उसे अदरक का काढ़ा बनाकर अवश्य दें। अगर काढ़ा नहीं है तो पानी में अदरक उबालकर शहद मिलाकर उन्हें जरूर दें। अगर आप में कोरोना वायरस के लक्षण है तो हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 पर कॉल कर तुरंत सूचना दें। ये थे कुछ एहतियात जिन्हें आपको बरतने हैं कोरोना वायरस से निपटने के लिए।